दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओलंपिक में अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडल हासिल करता है तो उसे क्या मिलता है? मेडल तो मिलता है, उसके अलावा उसको पुरस्कार राशि कितनी मिलती है? दोस्तों, अगर किसी खिलाड़ी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है तो उसे पुरस्कार के रूप में 75 लाख रुपए राशि मिलता है। अगर किसी खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है तो उसे पुरस्कार के रूप में 40 लाख रुपए राशि मिलती है। और अगर किसी खिलाड़ी ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है तो उसे पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए राशि मिलता है। दोस्तों, इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। और दोस्तों, ये सुनकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि दिल्ली के सरकार ने दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए अलग ही पुरस्कार राशि तैयार की है, जिसमें अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 2 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसे 1 करोड़ रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, के साथ ही उस खिलाड़ी के कोच को भी 10-10 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ओलंपिक में जीते गोल्ड मेडल की कीमत क्या होगी? तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में दिया जाने वाला मेडल इस बार काफी खास होगा, क्योंकि इस बार पहली दफे इन मेडल्स को पुराने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को रिसाइकल करके बनाया गया है, यानी इन मेडल्स को लोगों द्वारा दान दिए गए पुराने सामानों से रिसाइकल करके बनाया गया है। दोस्तों, जापान के लोगों ने इसके लिए करीब 62 लाख पुराने मोबाइल फोन दिए थे। साथ ही गोल्ड की बात करें तो करीब 32 किलो सोना जमा किया गया था। गोल्ड मेडल्स बनाने के लिए ओलंपिक में 3 तरह के मेडल बांधे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में लोगों को भी यह हर बार जानने की दिलचस्पी होगी कि आखिर एक गोल्ड मेडल की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, ओलंपिक में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है उस मेडल का वजन 556 ग्राम होता है, वहीं सिल्वर मेडल का वजन 550 ग्राम होता है और ब्रॉन्ज मेडल का वजन 450 ग्राम वजन होता है। ऐसे में सभी को लगता है कि इस हिसाब से खिलाड़ी को मिलने वाले गोल्ड मेडल करीब 26,29,880 रुपये का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, खिलाड़ी अगर अपना गोल्ड मेडल बेचने जाए तो उसे मात्र 65,790 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो अगर गोल्ड मेडल का वजन 556 ग्राम है तो इसकी कीमत इतनी कम क्यों है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि गोल्ड मेडल का वजन 556 ग्राम तो होता है, लेकिन इसमें सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है, साथ ही 550 ग्राम का चांदी होता है। दोस्तों, इस हिसाब से सोने की वैल्यू 28,500 रुपये है और चांदी का वजन 550 ग्राम है, तो इसकी कीमत लगभग 37,290 रुपये हुआ। इस हिसाब से गोल्ड मेडल की टोटल कीमत 65,790 रुपये हुआ। दोस्तों, ओलंपिक में सेकेंड नंबर आने वाले खिलाड़ी को सिल्वर मेडल दिया जाता है, वहीं इस मेडल की कीमत की बात करें तो ओलंपिक में दिया जाने वाला सिल्वर मेडल 550 ग्राम का होता है। ऐसे में मार्केट वैल्यू के हिसाब से इस सिल्वर मेडल की कीमत 36,630 रुपये है। दोस्तों, चांदी के मेडल में 100% चांदी होती है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं किया जाता। दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल का वजन 450 ग्राम होता है और ब्रॉन्ज मेडल में भी मिलावट होती है। दोस्तों, अब जब आपने इन मेडल्स की कीमत जान ली है तो बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में इन मेडल्स को खास बॉक्स में रखकर दिया जाएगा। दोस्तों, इन बॉक्स को लकड़ी से बने खास खोल में रखकर दिया जाएगा। ये काफी ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन से बनाया गया है। इसे जापानी डिजाइनर ने बनाया है और हर बॉक्स का पैटर्न अलग है और इन्हें लकड़ी से काटकर बनाया गया है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये जानकारी जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा।